हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड का इंडिकेटर का हेल्प से आप कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन हम कैसे खींचेंगे चार्ट में। तो ये जो इंडिकेटर है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसके हेल्प से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो चार्ट में, और यहाँ पे आप इसमें ट्रेड भी ले सकते हो ये इंडिकेटर के हेल्प से। कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है ये भी आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो पे। और यहाँ पे आपको जो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको बड़ा बड़ा मिलेगा, टारगेट आपको 1:4, इतना बड़ा बड़ा आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करने के बाद पे यहाँ पे आप जैसे निफ्टी है, तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी कर सकते हो। बैंक निफ्टी अगर आप सर्च करते हो तो बैंक निफ्टी को आप यहाँ पे आप डाल लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी डालने के बाद पे यहाँ पे आप यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 5 मिनट, जिसमें भी आपको करना है वो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होता है ना, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं 5 मिनट ही सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे आप कोई स्टॉक भी करना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई स्टॉक ले लीजिए, एनटीपीसी हो गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एनटीपीसी भी आप डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कौन से स्टॉक को आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो अभी मैं बैंक निफ्टी कर लेता हूँ, तो बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करने वाले, तो बैंक निफ्टी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे अगर आप कैंडल पे आप देखेंगे, कैंडल है और यहाँ पे हैकी नासी भी है। तो अभी हम पहले नॉर्मल कैंडल पे देखते हैं, फिर आपको मैं हैकी नासी में भी दिखाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल कैंडल कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए, बैंक निफ्टी कर लीजिए, और यहाँ पे जो इंडिकेटर पे आप सर्च करिएगा पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट जैसे आप सर्च करेंगे, देख सकते हैं पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड, पाइवट पॉइंट हाई लो, फिर पाइवट पॉइंट सुपर ट्रेंड, हाई लो, यहाँ पे आपको पाइवट पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये सभी इंडिकेटर का आपको यूज नहीं करना, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जिसको यूज करना है, वो है पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ठीक है, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं ये कैसा दिखेगा। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिखेगा आपको। अभी देखिए मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे अगर इसको मैं हाइट करता हूँ, ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट को पूरा हाइट कर दिया है। हाइट करने के बाद पे अब देखिए आज का जो डेट है वो कौन सा, यहाँ से देखिए 4 अप्रैल का डेट है, यहाँ से इधर, और ये लाइन से, ये ब्लू वाला लाइन से लेके ये ब्लू वाला लाइन तक, ये 3 अप्रैल है। तो 4 अप्रैल को ये जो पी दिख रहा है ना, पी, ये बीच का लाइन है, ये बीच का लाइन का मतलब पी, पी का मतलब होता है पायोट, पायोट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम पायोट पॉइंट बोलते हैं। ये बीच का लाइन है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में अब जैसे इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये देखिए पी, यहाँ ये बीच का लाइन, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, डायरेक्ट एक गैप अप ओपन हो गया यहाँ से, ये देखिए रेजिस्टेंस 3 में जाके मार्केट डायरेक्ट ओपन हुआ। पी था, ये बीच का लाइन था, इसको हम बोलते हैं पाइवट पॉइंट। ये R1, इसके ऊपर एक और जो रहता है उसको हम बोलते हैं R1, R1 का मतलब होता है रेजिस्टेंस 1, फिर इसके ऊपर जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस 2, और उसके ऊपर जो होता है रेजिस्टेंस 3 होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है इसको समझिए, जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस को टच करेगा ना, तो ये जो कैंडल ये टच करके नीचे की ओर आता है। अब देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर आया, अब यहाँ से ब्रेक करके ये और नीचे की ओर गया। अब देखिए रेजिस्टेंस 1 यहाँ ऊपर टच कर, रेजिस्टेंस 2 को टच करके फिर नीचे आया ये, फिर धीरे धीरे करके नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस को टच करके फिर रेजिस्टेंस 2 के पास चले गया, फिर ये यहाँ से नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट जब जब ऊपर जाने की ओर कोशिश करेगा, ये रेजिस्टेंस को टच करने के बाद में नीचे की ओर ढकेलेगा। अगर ये नीचे की ओर जाता मार्केट, जैसे कि आप देख सकते हैं S1 सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, S1 का मतलब होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आता है तो ये सपोर्ट उसको ऊपर की ओर ढकेलेगा। अगर ये सपोर्ट को फिर से ब्रेक करता है तो सपोर्ट 2 फिर दोबारा उसको ऊपर की ओर ढकेलेगा, फिर ये नीचे आता है तो सपोर्ट 3 इसको दोबारा से ऊपर ढकेलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये था आपको 4 अप्रैल का चार्ट था। 4 अप्रैल के बाद में अगर हम इसको हम देखते हैं, ये 3 अप्रैल को देखते हैं। ठीक है, चलिए 3 अप्रैल को मार्केट ये पी, यहाँ पे मार्केट ओपन होकर गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे आया मार्केट, ये सपोर्ट 1 के पास था, सपोर्ट 1 से थोड़ा सा नीचे आया, सपोर्ट 2 के पास से थोड़ा सा सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर गया। तो ये पी, पी के जो होता है बीच का लाइन होता है। तो देखिए पी जो होता है ना पाइवट पॉइंट, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है,
अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ना तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये पाइवोट ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए यहाँ पे ये पाइवोट आपका रेजिस्टेंस का काम किया, इसको टकराने के बाद नीचे आ रहा है, फिर टकराने के बाद नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर गया, फिर रेजिस्टेंस तक गया, पूरा नहीं गया लेकिन ये ऊपर से नीचे आया। देखिए फिर ये पाइवोट को टच करके यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर ये पाइवोट को टच करके ऊपर की ओर गया। और देख लेते हैं हम लोग, और देख लेते हैं, ये देखिए ये है आपका 2 अप्रैल का है, पी पायोट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। देखिए सपोर्ट 1 को देख रहे हैं, सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट को टच करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में रेजिस्टेंस 1 को टच किया, फिर ये नीचे आया, फिर थोड़ा सा पायोट के पास आके फिर ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, फिर देख सकते हैं ये पायोट को टच कर रहा है, पायोट की ही लाइन पे चल रहा है। तो ये जो पायोट है ना ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, पायोट पॉइंट स्टैंडर्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो जो भी लोग है ना हर दिन का ये जो पाइवोट पॉइंट है ये अलग अलग रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए 5 अप्रैल का भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ नहीं हुआ, ये लाइन खींचा नहीं है। ये जब मार्केट 9:15 में ओपन होता है ना तब ये ऑटोमेटिक आपका ये ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी यहाँ पे था, अब और पीछे देख लेते हैं, ये देखिए पी यहाँ पे मिडिल पे था और यहाँ पे देखिए पी यहाँ पे था, ठीक है, देख सकते हैं पाइवोट पॉइंट। ये हर हर डेट में ये अलग अलग रहता है, ये हर डेट में ये अलग अलग रहता है। अब यहाँ पे पी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पाइवोट पॉइंट यहाँ पे था 1 अप्रैल को, अब यहाँ पे 29 को देखते हैं हम, ये देखिए ये थोड़ा सा नीचे है, देखिए 1 अप्रैल को इतना ऊपर था और ये 28 मार्च की इतना नीचे है। तो हर डेट में ये अलग अलग रहता है ये। तो इसको आपको यूज कैसे करना है, जैसे ही ये आपका, जैसे मान के चल लीजिए यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, पायोट पॉइंट में टच करता है, जैसे यहाँ पे आपका टच करके ऊपर की ओर जा रहा है तब यहाँ पे आपको बाय करना है। आप यहाँ पे टारगेट आपने यहाँ तक आप रख सकते हो, देखिए यहाँ पे जैसे आपने सपोर्ट में यहाँ पे आपने बाय किया और यहाँ तक आप टारगेट पायोट तक रखते तो आपको यहाँ पे टारगेट मिलता, दूसरा टारगेट आप रेजिस्टेंस 1 तक रखते तो आपको यहाँ पे टारगेट मिलता। तो यहाँ पे आपको टारगेट आप यहाँ पे खरीद के यहाँ तक आप रख सकते हो, देख सकते हैं। अगर आप मान के चलिए यहाँ पे आपने बाय किया, पुट लिया यहाँ पे, ठीक है, पुट लिया तो ये ऊपर से नीचे 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 जाके देखिए यहाँ पे टच किया लाइन को, तो यहाँ पे आप एग्जिट करते। तो इस तरीके से ना आप अपना एंट्री और एग्जिट के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा ऑर्डर ट्रेड के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेड लिया तो ये ऊपर से नीचे यहाँ पे चले गए, देखिए यहाँ पे आया फिर ये ऊपर गया, अगर ये ऊपर में लिए आपने तो ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे आप एग्जिट करते। तो यहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए इसको आप यूज कर सकते हो। देखिए बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने नहीं आता, तो वो पायोट पॉइंट स्टैंडर्ड का यूज करिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है रिवर्सल के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस आपका रिवर्सल होगा और सपोर्ट से आपका रिवर्सल होगा, ठीक है, दोनों जगह रेजिस्टेंस से रिवर्स होता है और सपोर्ट से रिवर्स होता है। और इसको अगर मैं हैकी नासी डालते हैं नॉर्मल कैंडल से, ठीक है, मैं हैकी नासी डालता हूँ तो ये आपको एक ट्रेंड बताता है हैकी नासी। देखिए एक ट्रेंड से पूरा गिर रहा था फिर यहाँ से ऊपर उड़ गया, देख सकते हैं ये क्या, इसे आपको ट्रेंड पता चलता है लेकिन ये आपको एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा हैकी नासी से, ठीक है। फिर भी आप अगर इसको लगा के ट्रेड लेना चाहते तो आप इसको आप एनालाइज करके देखिएगा, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ नॉर्मली यूज करता हूँ मैं कैंडल यूज करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाइवोट पॉइंट ट्रेडिशनल ऑटो सपोर्ट प्राइवेट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको कैसे यूज करके आपको चार्ट में एनालाइज करना है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं मैंने अपने ना YouTube चैनल पर फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज का वीडियोज अपलोड किया हुआ है, इसका लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक स्टॉक मार्केट क्या है, सेंसेक्स, निफ्टी, टाइप ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट, टाइमिंग, ट्रेडिंग, ऑर्डर, ब्रोकरेज चार्जेस, ये पूरे वीडियोज मिलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं लाइव ट्रेडिंग करके ही बताया हुआ है मैंने, बाय सेल कैसे करना निफ्टी बैंक निफ्टी में, और ये पूरे ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज है, ये पूरे स्ट्रेटेजी आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लिंक के यहाँ पे डाउनलोड स्टॉक मार्केट पीडीएफ बुक, ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो ये जो पीडीएफ बुक है, ये फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न का पीडीएफ बुक मैंने, और ये चार्ट पैटर्न का फ्री पीडीएफ बुक मैंने यहाँ पे दोनों का लिंक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको लिंक को क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज और बता देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड का यूज करके आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये यूज होता है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है परफेक्ट, उसके लिए आप यहाँ पे मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये देखिए पाइवोट पॉइंट स्टैंडर्ड,
यहाँ पे आपको मेरा यहाँ पे आपको इसमें वीडियोज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये पूरा ये वीडियो का दिखेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न के हेल्प से आपको समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। तो इसका जो वीडियो का लिंक है, ये स्टॉक मार्केट कोर्सेज फॉर बिगिनर का, यहाँ पे मैं आई बटन के यहाँ पे लिंक दे दूंगा मैं, यहाँ पे जाके क्लिक करके अभी पूरे वीडियोज को आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को आप जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूँ आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए वो भी बताइए, तो हम उससे रिलेटेड वीडियोज आपको बना के देंगे। तो वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।